नमस्कार, रुक करते मुरादाबाद की तरफ, क्योंकि नेताओं के खौफ का एक ऐसा उदाहरण सामने आया वो वाकई में हैरत में डाला। क्या उत्तर प्रदेश में आला अधिकारियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं का खौफ है? क्या पुलिस के अधिकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं से घबराते हैं, सहमे रहते हैं? जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ के SSP ने अपने स्टाफ पुलिसकर्मियों की बुरी तरह पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि SSP साहब से मिलने आए समाजवादी पार्टी के नेता को करीब 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं का खौफ कितना ज्यादा है, आप भी जरा गौर से देख लीजिए। आम आदमी की तो छोड़ ही दीजिए, पुलिस वालों की हालत क्या है इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। सुंदर सैंगल, दया किशन, गुमान सिंह, हम आपको बता दें मुरादाबाद के ये तीन पुलिसकर्मी SSP साहब के गुस्से का शिकार हुए हैं। गुस्सा भी ऐसा कि SSP साहब के हाथों जो आया उससे ही इन लोगों को मारा, चाहे वो वाइपर हो या डंडा या फिर झाड़ू। हम आपको बता दें SSP साहब के खौफनाक गुस्से की वजह, ये तीनों पुलिसकर्मी मुरादाबाद के SSP राजेश मोद के आवास पर तैनात रहते हैं। हुआ यूं कि SSP साहब से मिलने समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर ST हसन उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इन पुलिसकर्मियों का कसूर इतना था कि इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता को इंतजार करवाया। पीड़ित पुलिसकर्मियों का कहना है कि जिस वक्त नेता जी आए उस दौरान कप्तान साहब नहा रहे थे, उसके बाद कप्तान साहब नाश्ता करने बैठ गए। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के नेता SSP साहब से मिलने आए हुए हैं। SSP साहब को जब पता चला कि उनके कर्मचारियों की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता को करीब 1.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा, उनका गुस्सा फूट पड़ा, हाथ में जो आया उसी से चारों की पिटाई कर डाली। SSP साहब की बेरहमी की कहानी जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ ये हुआ था कि साहब एक हमारे जो पूर्व मेयर ST हसन साहब बाहर ऑफिस पे आए थे, तो PRO साहब के द्वारा सर फोन पे हमें बताया था कि साहब का लोकेशन लिया गया था। क्या करते हैं, हमने तो बताया था साहब 2-3 बार में साहब एक बार नहा रहे थे एक बार नाश्ता कर रहे थे, तो हमको ये नहीं बताया था कि ST हसन साहब आए सर, हमको कोई सूचना देने के लिए नहीं बताया था। तो हमने सर जैसे साहब नहा के बाहर को आए तो साहब ने हम लोगों से पूछा तुमको बताया था कि ST हसन साहब आए, तो साहब हमने कहा हमको नाम नहीं बताया था सर, फिर पानी मांगा था तो हमारे आदमी ने 5 गिलास पानी दे दिया है। तो उसके बाद साहब ने सर कुछ नहीं कहा, हमारे साथ गाली गलौज करके गाली गलौज करते रहे सर, और हमारे ऊपर डंडों से पिटाई करी, वाइपर से पिटाई करी सर। टेलीफोन ड्यूटी को बताना चाहिए था, PRO साहब को बताना चाहिए था, अंदर साहब को सूचना नहीं दी गई, इससे ये चतुर्थी कर्मचारी ये पुलिस विभाग के पर ये गाज अन्याय के लिए। किस चीज से मारा? वो वाइपर से मारा था, वाइपर के वो डंडे से, वो लोहे के डंडे से मेरे कमर में मारा। फिर साहब अंदर से आए तैयार हो गए और साहब ने पहले मुझे मार। किस चीज से मारा, क्या पहले हाथ मारा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे मुंह से तो अपने आप बोल रहे थे साहब, वैसे मतलब चिल्ला भी रहे थे और फिर मारा। किस चीज़ पहले हाथ से मारा सर, पहले हाथ से मारा, फिर बाद में उससे मारा बैपर से, फिर लास्ट में झाड़ू से मारा। एक नेता की वजह से कर्मचारियों को पीटने के बाद इलाके के SSP साहब का मुंह अब बंद है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश राज में वाकई समाजवादी पार्टी के नेताओं का इतना खौफ है कि बड़े बड़े अधिकारी उनसे डरे हुए दिखाई देते हैं? शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। तो वाकई में खौफ हो जाएगा हर किसी को अगर इस तरीके का कोई बॉस किसी को मिल जाए कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसको झाड़ू वाइपर और डंडे से पिटाई की जाए। हालांकि हम उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों से और नेताओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई अगर आप एक मुजरिम के खिलाफ भी कर दें तो भी कोर्ट कोई ना कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अलाउड नहीं, आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक SSP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस घटना से कई सवाल खड़े हुए हैं और इन सवालों को हम बोर्ड में, अंग्रेजी में कहते हैं बोर्ड में, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो वॉल पर मैं जाकर आपको ये सवाल दिखाता हूं। ये सवाल कौन से हैं जो सबसे बड़े उठते हैं कि
एसएसपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, तो क्या एक तो एसपी के खिलाफ ये यूपी की जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनसे सब डरते हैं, इन इनके खिलाफ इनसे इतना इनका खौफ हो गया है पुलिस वालों को कि अगर डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ जाए उनको कहीं ना कहीं। सवाल नंबर दो ये उठता है कि मुरादाबाद में क्या एसएसपी ने समाजवादी पार्टी के नेता के डर से पुलिसकर्मियों को पीटा? क्या पुलिसकर्मी इतना डर गए, एसएसपी साहब इतना डर गए कि नेताजी को अगर डेढ़ घंटे का इंतजार करना पड़ा और उनके कर्मी उनके लोगों की वजह से तो उनको पीटना शुरू कर दिया? सवाल नंबर तीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खौफ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का है ही। सवाल नंबर तीन की सबूत के बावजूद मुजफ्फरनगर दंगे में एसपी नेता राशिद सिद्दीकी पर अभी तक केस क्यों नहीं हुआ? हालांकि बीजेपी और बीएसपी के नेता अभी गिरफ्तार भी हो गए, 13 के नाम आ चुके हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना है किसी वक्त, लेकिन एसपी का कोई भी नेता अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, खासकर जिन नेता का अभी आपको हमने सवाल पर नाम दिखाया। सवाल नंबर चार, मुजफ्फरनगर में एसपी नेता के फोन पर पुलिस ने छोड़े दंगाई, फिर भी क्यों नहीं कार्रवाई? आपने आज तक स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा तो साफ उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से नेताजी ने पुलिस को वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसके ब्यौरा देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो साफ है कि बहुत ज्यादा खौफ है एसपी नेताओं का वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर, और एक साफ आज ये घटना जब दिखती है मुरादाबाद में किस तरीके से झाड़ू वाइपर और डंडे से पिटाई करता है एक एसएसपी अपने पुलिसकर्मियों की, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि एक नेताजी उनका इंतजार कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में हुए हिंसा के आरोप में बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने बंद का ऐलान किया है। शहर में देखा जा रहा है कि ज्यादातर दुकानें सुबह से बंद हैं। पश्चिमी यूपी में आज बंद के बाद राज्य के दूसरे हिस्सों में 23 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर बीजेपी धरना प्रदर्शन भी करेगी। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां की सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं। क्या स्थिति है संजय मुजफ्फरनगर की, कितना असर है बंद का? समीप फिलहाल तो जो बाजार है पूरा शहर है उसमें बंद का असर नजर आता है, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं जो पहले हिंसा की चपेट में आए थे उन इलाकों में असर थोड़ा कम खाई पड़ रहा है। वहां इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई भी हैं, लेकिन जो शहर का मुख्य इलाका है वहां दुकानें बंद हैं। और जो दुकानदारों से हमारी बात हुई उनका कहना था कि दोपहर तक ये बंद का असर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो निगाहदारी रखे हुए है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। फिलहाल अभी तक तो बंद शांतिपूर्ण है और नेता अलग अलग जगह निकले हुए हैं कार्यकर्ता जो बंद कराने के लिए, और एसपी उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि दुकानें अभी फिलहाल बंद हैं। यातायात सामान्य है, हाईवे पे भी सामान्य जनजीवन चल रहा है, लेकिन शहर में बंद का असर दिखाई पड़ता है।